Assalamu alaikum. In this video we are going to learn how to create validated form using JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम ये JavaScript की मदद से एक validated form बना सकते हैं. validated से मुराद कि जो confirm हो, मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ. अगर मैं ऐसे इसको submit पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मैसेज आएगा कि name cannot be empty. इसमें मैं नाम इंटर करता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ बाबर, और बाबर लिख के जब मैं सबमिट करूँगा उन्होंने कहा अब ईमेल का नाट भी इम्पटी. अब ईमेल में लिख देता हूँ बाबर, फिर सबमिट किया, उन्होंने कहा प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल आईडी. अब वैलिड में क्या है, बाबर के बाद ऐट द रेट डार्क में सबमिट करता हूँ, फिर सेम मैसेज. अगर उसके बाद मैं जीमेल ऐड करके फिर सबमिट करता हूँ, फिर सेम मैसेज. अगर डॉट लगा के आगे फिर डॉट लगाता हूँ आगे से फिर सबमिट करता हूँ तो हमारे पास सबमिट हो रहा है. कि जिस तरह से एक ईमेल एड्रेस में मतलब ऐट द रेट और डॉट लाजमी होते हैं और ऐट द रेट के बाद कुछ वर्ड्स भी होते हैं, तो उससे हम किस तरह से बना सकते हैं, ये एक चीज़ होगी. उसके बाद फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में प्लीज़ इंटर यूअर 11 और 12 डिजिट्स फ़ोन नंबर. यानी पाकिस्तान का जो फ़ोन नंबर है वो 11 डिजिट्स का होता है और 12 का भी होता है. 12 का इसलिए होता है कि अगर कंट्री कोड लगा दें, ज़ीरो हटा दें और कंट्री कोड लगा दें तो वो बन जाता है 12 का. अगर उसके बगैर लगाएं तो फिर हमें सिफ़र लगानी पड़ती है, सिफ़र लगाएं तो वो बनता है 11 का. तो अगर मैं यहाँ पे नंबर को ऐड करूँ, मैं रैंडम सा इसमें यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये मैंने 11 का ऐड किया, अब सबमिट किया तो सबमिट हो गया. अब उन्होंने कहा प्लीज़ सेलेक्ट योर स्किल. अब इस सेलेक्ट में से अपनी स्किल जो है वो सेलेक्ट करूँगा. मैं मिसाल के तौर पर HTML सेलेक्ट करता हूँ और फिर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो फॉर्म क्या आ गया, कंप्लीटेड. अब ऊपर फॉर्म में कहीं भी मैं कोई भी चेंजिंग करता हूँ और सबमिट करूँगा तो मैं मैसेज दे देगा नीचे कि कहाँ पे एरर आ रहा है. ऊपर अगर कहीं पे कहें जावास्क्रिप्ट जो है लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसलिए ये हम कहीं पे भी एरर करेंगे तो ये सारा कोड रीड करेगा. इसे जहाँ पे भी एरर मिलेगा उस एरर के अकॉर्डिंग वो एरर मैसेज शो करवा देगा. और ये कंप्लीट यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है. सबसे पहले हम ये फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के बाद उसमें वैलिडेशन लगाएंगे. आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी. मैं अपना कोड एडिटर पर करता हूँ. इसमें मेरे पास index.html, style.css और main.js और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू भी ओपन कर लिया. इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहे. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो ये मैंने सिंपली अब HTML स्टार्ट करूँ, HTML CSS जो आवाज़ कभी तीनों आपस में लिंक हो, इतनी आपको HTML और CSS आनी चाहिए. ये जो न्यू स्टूडेंट यानी कोई न्यू व्यूअर होगा तो उसके लिए है, जो प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो सारा पता है, लेकिन जो न्यू है उनको मैं बता रहा हूँ कि इतनी आपको आनी चाहिए, ये तीनों फाइलें आपको लिंक करनी आनी चाहिए. अगर नहीं आती तो उसके लिए इंटायर कोर्सेज और वीडियोज़ मौजूद हैं, वो आप एक दफ़ा चैनल लाजमी विजिट करें. इसमें अब मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले इसमें एक डिव लूँगा, डिव को मैं क्लास दूँगा माई फॉर्म, और इसमें मैं फिर फॉर्म का टैग लूँगा और एक्शन इसमें ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि हम इसे कहीं पे सबमिट नहीं करवा रहे, किसी सर्वर पे सबमिट नहीं करवा रहे. उसके बाद इसका नाम दूंगा, नाम रखूंगा कोई भी, इसमें मैं देता हूँ माई फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में मैं फंक्शन जो है उसको लगाऊंगा कि रिटर्न में एक फंक्शन हम लगाएंगे जावास्क्रिप्ट में, तो उसका नाम मैं यहाँ पर अभी डिफाइन कर देता हूँ वैलिडेट, और ये फंक्शन हमने कर दिया कॉल. अब इसमें हम इनपुट्स लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक हेडिंग लगाता हूँ. तो हेडिंग में लिखता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन, आप कोई भी दे सकते हो हेडिंग रजिस्ट्रेशन. तो ये हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया. उसके बाद एक डिव लेता हूँ, और डिव का मैं लेता हूँ इनपुट ग्रुप, और उसको सेव किया. और इस अब इनपुट ग्रुप में सबसे पहले मैं लेबल का टैग लूँगा लेबल, और लेबल में फॉर इसका भी मैं नहीं लगा रहा, सिर्फ मैं इसमें लगा रहा हूँ नेम, और ऐसे करके इसे सेव कर दिया. फिर इसके बाद इसके नीचे एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका जो नेम है वो मैं दूंगा नेम, मतलब यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं. अब यहाँ पे हम नेम यूज़ कर रहे हैं, हम आईडी यूज़ नहीं करेंगे, नेम यूज़ करेंगे. अब इसको मैं नीचे करता हूँ. अब इसमें एक हमारे पास इनपुट आ गई, इसको अब कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं,
ये हमारे पास सेकंड वन आ गई, पहली हमारी आ गई नेम की, दूसरी हमारे पास आ गई ईमेल की, ईमेल। और यहाँ पे जो नेम है, नेम में ईमेल ऐड करूँगा, टाइम ईमेल जो टाइप है उसमें ईमेल ऐड नहीं करूँगा। अगर मैं टाइप में ईमेल ऐड कर दूँगा तो मैं इसको फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से वैलिडेट नहीं करवा सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ईमेल लगा देंगे तो जो HTML5 है उसमें ऑटोमेटिकली वैलिडेशन लगी हुई है, आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसलिए हम वो यूज़ करेंगे। और इसके ज़रिए ना मतलब कस्टम मैसेज नहीं शो करवा सकता, खूबसूरत सा मैसेज नहीं दिखा सकता, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अब नेम में मैं ऐड करता हूँ ईमेल। अगर हम वैसे कर रहे होते, मतलब हम अगर प्योर HTML बना रहे होते तो हमने टाइप की जगह पे ईमेल लिखना था, अब चूँकि हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो नाम जो है वो हम ईमेल दे देंगे। और इसके बाद इसको कॉपी करता हूँ और नीचे लगा देता हूँ। अब सेम उसी तरह से यहाँ पे हम ईमेल की जगह लगा देंगे फ़ोन नंबर, या मैं PF नंबर लगा देता हूँ, या फ़ोन ही लिख देते हैं सीधा फ़ोन। इसे सेव किया और अब यहाँ पे जो नेम ईमेल है वहाँ मैं लिख देता हूँ फ़ोन। और उसके बाद हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स है, मतलब जिसमें हमने स्किल शो करवानी है, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ है वहाँ पे भी लिखूँगा सब्जेक्ट, और इनपुट का टैग ख़त्म करूँगा, यहाँ पे लगाऊँगा सेलेक्ट का टैग सेलेक्ट, और सेलेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, आईडी से कोई भी नहीं देते। और इसमें हम अब हम लगा देते हैं ऑप्शन, तो सबसे पहला जो इसका ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे ऑप्शन, ऑप्शन का टैग और वैल्यू इसको मैं दे रहा हूँ 0, और पहले मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट सिलेक्ट। इसको अब मैंने सेव किया, अब इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब वैल्यू इसकी 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ HTML। अब जो सेकेंड वन है उसकी वैल्यू 2 मतलब 2, और CSS 3 जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, और फोर्थ जो है हम लिख देंगे PHP PHP। अगर अब यहाँ मैं अगर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन आ रही हैं। अब ये जो 0 है इसको साथ में लगा देता हूँ सिलेक्टेड। अब जिसके साथ मैं सिलेक्टेड लगाऊंगा ना वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड यहाँ पे आएगी। तो मैं इसको अगर यहाँ से कट करके नीचे किसी टैग पे लगाऊँ, मैं मिसाल तीसरे पे लगा देता हूँ, तो ये तीसरा हमारे पास जावास्क्रिप्ट वाला सिलेक्टेड आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले वाले सिलेक्टेड रखना है बाई डिफ़ॉल्ट, तो मैं पहले वाले पे सिलेक्ट लगा दूंगा। उसके बाद जब हम इसको करते हैं यानी क्लिक करते हैं, कोई हमारे पास एरर मैसेज आता है तो उसके लिए हमने एक एरर डिव लगानी है। यहाँ पर मैं सेम इनपुट ग्रुप की फील्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं पी का टैग यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ लेबल टैग और इनपुट। और पी का जो टैग है इसको मैं सबसे पहले इसे दूंगा क्लास, क्लास में देता हूँ एरर मैसेज, और साथ में इसको हम आईडी दे देते हैं एरर, आईडी हम इसकी यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में। इसको अब सेव किया, अब ये इसकी लाइन हम ख़त्म कर देते हैं। अब फिर इसको पूरी को कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब इंस्टेड ऑफ पी टैग हम लिखेंगे इनपुट का टैग। अब इसकी जो टाइप है वो हम टेक्स्ट दे नहीं देने, बल्कि इसकी टाइप करेंगे सबमिट, क्योंकि अब अपने सबमिट बटन लगाना है सबमिट। और इसकी जो वैल्यू है वो भी हम सबमिट कर देते हैं सबमिट, ये आ गया। अब इतनी हमारे पास जो थी जावास्क्रिप्ट थी, अब हम आते हैं इसके CSS की तरफ। यहाँ से पहले मैं ये डिव की जो डिव का नाम है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और स्टाइल में आता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अब इसको सबसे पहले मैं स्पेसिफिक विड्थ दूंगा, विड्थ इसमें देता हूँ 400, और उस पर मार्जिन ऑटो ऑटो करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो मैं इसे दूंगा 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल और 0 पिक्सल, और इसका कलर RGB है रेड 0 ग्रीन भी 0 ब्लू भी 0, और अल्फा जो है वो मैं लगा दूँगा 0.6। उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा एक खूबसूरत सा शेडो बन गया, आप इसे मज़ीद खूबसूरत बना सकते हो। अब उसके बाद पैडिंग,
पैडिंग में से टॉप और बॉटम से दूंगा 15 पिक्सल, लेफ्ट राइट से इसे मैं दूंगा 10 पिक्सल, और उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा। बैकग्राउंड कलर जो है इसका मेरे, मैं कोड इसका यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, इसका कोड है मेरे पास। अच्छा ये थोड़ा सा ऑड है, एक और कोड है 3F और उसके पास आई थिंक 3697। अब ये थोड़ा सा हमारे पास सही वाला कलर है। अब कलर कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास जो प्रीवियस फॉर्म है इस पे हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी इसका कलर हम ले सकते हैं, यहाँ से हम इसका कलर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सही कलर लग गया तो इसलिए हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसका जो कलर है वो हम करेंगे वाइट, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। बोम। अब उसके बाद हमारे पास जो H1 है इसकी हेडिंग को हम करते हैं सेंटर में, माई फॉर्म के अंदर जो H1 है उसको सिंपली जो है टेक्स्ट अलाइन उसका कर दो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। उसके बाद हमारे पास इनपुट ग्रुप है ये वाले, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, नीचे आया और यहाँ पे इनपुट इनपुट ग्रुप, और सबसे पहले इसको मैं दूंगा विड्थ, विड्थ से मैं देता हूँ 100% 100%, और उसके बाद इसे हम पैडिंग, पैडिंग से टॉप और बॉटम से देंगे 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। उसके बाद इसे मार्जिन, मार्जिन टॉप बॉटम से 25 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। पोजीशन इसको हम देंगे रिलेटिव, और उसके बाद हम इनपुट ग्रुप के अंदर जो ये लेबल टैग है उसको हम स्टाइल करेंगे, सिंपली इसमें लेबल, लेबल को सबसे पहले डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक, ये इन लाइन एलिमेंट है, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो ये अपनी एक अलग लाइन में आ जाएगा, जो कि हमारे लिए फिर इसको ये स्टाइल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और उसके बाद इसे पोजीशन देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप इसका हम देंगे 0, टॉप बॉटम टॉप और मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप ये हम देंगे इसे -25 पिक्सल, थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद हम इसे, उसके बाद हम ये जो इनपुट का टैग है इसे हम स्टाइल करते हैं, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आया और इसके अंदर जो इनपुट है उसका हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले इसके, इसे मैं विड्थ दूंगा 100%, और इसको हाइट, हाइट इसे देता हूँ मैं 10 पिक्सल कर देते हैं, 10 30 देते हैं, 30 30 पिक्सल। तो ये हमारे पास थोड़ी सी बड़ी आ गई। अब इसकी आउटलाइन, अब इस पर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर ये ब्लैक सी कवल यानी कलर बन रहा है, उसके लिए मैं आउटलाइन इसका नान कर दूंगा और इसका बॉर्डर भी नान कर दूंगा, बॉर्डर वो भी हमने नान कर दिया। अब इसमें क्लिक करते हैं इसके ऊपर कोई लाइन नहीं बन रही। अब इस जो सिलेक्ट वाला टैग है इसको भी हमें स्टाइल करना है, उसके लिए सिंपली जो है इसी के आगे मैं कॉमा लगा दूंगा, इस पूरे को यहाँ से करूँगा कॉपी और आगे इसको लगा दूँगा, इंस्टेड ऑफ इनपुट मैं लगा दूंगा सिलेक्ट, और इसे सेव करूंगा तो ये सिलेक्ट भी स्टाइल हो गया और साथ में जो हमारे दूसरे इनपुट से वो भी स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हम इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो दे लेते हैं थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं यहीं पे आऊँगा, इनको फॉन्ट साइज़ दूंगा, फॉन्ट साइज़ मैं इसे देता हूँ 18 पिक्सल, सेव किया। अब ये इसमें 18 पिक्सल आ गया, इसमें अगर मैं कोई चीज़ राइट करता हूँ वो भी 18 पिक्सल में आ रही है। और ये उसके बाद हमारे पास सबमिट बटन आ गया, तो सबमिट बटन जो है इसको हमने कौन सी क्लास दी हुई है, इसको हमने कोई क्लास नहीं दी, तो यहाँ पे इसे मैं क्लास दे देता हूँ सब मिट। तो यहाँ पे इनपुट ग्रुप को मैं करता हूँ कॉपी और आगे इसके डॉट सबमिट जो क्लास है सबमिट, उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड उसका कर दो येलो, और इसका जो कलर है फॉन्ट कलर, बल्कि फॉन्ट कलर इसका वाइट ना भी करे तो कोई इतना मसला नहीं है, बस इसका जो कर्सर है आप इसके ऊपर जाते हैं तो एरो, और इसके ऊपर जो कर्सर है वो कर देते हैं पॉइंटर। तो ये अब इसके ऊपर पॉइंटर बन के आ रहा है, अब इसके होवर पे थोड़ा सा हम इफेक्ट दे लेते हैं सबमिट और सबमिट के होवर पे।
अब इसके होवर पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट कलर है वो करेंगे येलो, येलो, और उसके बाद इसका जो बॉर्डर कलर है 2 पिक्सल सॉलिड, और वो भी हम कर देंगे येलो। और अब इसको चेक करते हैं, हम इसका जो फाउंड कलर वो हम करते हैं इसका वाइट, बॉर्डर हो गया, इसका बैकग्राउंड जो है वो हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट। अब इसको सेव किया, अब ये हमने ट्रिपल एफ लगाना, सेव किया, अब इसको ऊपर होवर करते हैं तो ये खूबसूरत सा इफेक्ट आ रहा है। अब इसको हम थोड़ी सी ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड इज इन आउट। अब इसके ऊपर, अब ये बड़ा प्यारा सा इसके ऊपर इफेक्ट दे रहा है, और बाकी सब भी ठीक हो गया। अब हमारे पास जो था एरर वाला मैसेज है, हम उसको स्टाइल करना है। एरर वाले मैसेज के लिए मैं यहाँ से एरर डिव लूँगा, वो कौन सी पी की इनपुट ग्रुप, और इसमें एरर मैसेज वाली क्लास, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इनके ऊपर यहाँ पर हम लगा देते हैं। यहाँ पर इनपुट का स्टाइल ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एक तरतीब हमारे पास बन जाएगी एरर मैसेज। तो एरर मैसेज में सबसे पहले मैं इसको लूँगा पैडिंग, पैडिंग से मैं देता हूँ 2 पिक्सल, और उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और टेक्स्ट कलर जो इसका है वो क्या कर देंगे येलो। इसका टेक्स्ट कलर जो है एरर मैसेज का बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जब कोई एरर करेगा, जब कोई यूज़र एरर करेगा ना तो वो तब उसका एरर मैसेज आएगा। अब हम इसके आते हैं जावास्क्रिप्ट में, अब हमारे जो इसके HTML थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में आते हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले इसके जो फंक्शन है जो हमने यहाँ पे नाम दिया था उसका मैं नाम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वैलिडेट इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको लगाते हैं फंक्शन। अब इस फंक्शन जो है ये ऑन सबमिट पे काम करेगा जब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, तो यहाँ पे पहले अलर्ट लगा के इसे चेक कर लेते हैं कि आया कि फंक्शन सही काम कर भी रहा है कि नहीं। इसे सेव किया, अब मैंने अलर्ट में कुछ लिखा नहीं, बस DD लिख देते हैं, सबमिट किया, अब ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि फाइल में भी हमारे पास सही कनेक्टेड है, और जावास्क्रिप्ट फंक्शन का जो नाम है वो भी हमने सही दिया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर होता तो ये तुम्हारा जूम हो गया। अब इसमें सबसे पहले मैं इफ़ लगाता हूँ, इफ़, और बल्कि इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टेक्स्ट, उसके बाद इफ़ मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू, अगर इक्वल हो, अगर वो खाली हो तो हमारे पास क्या हो, एक एरर मैसेज आ जाए। तो इसमें अब एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। अब ये किस तरह से गेट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, ये थोड़ा सा छोटे करते हैं, ये आ गया। अब डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म, माई फॉर्म जो है वो कौन सा है, इस फॉर्म का नाम जो हमने यहाँ पे दिया माई फॉर्म, और उसके बाद डॉट नेम, डॉट नेम का मतलब है कि माई फॉर्म के अंदर जो इनपुट है वो वाले इनपुट जिसका नाम नेम है, मतलब अगर यहाँ पे नाम लिखता हूँ इसका ईमेल तो ईमेल लिखूँगा, अगर यहाँ पे इसका नाम लिखूँगा मैं, यहाँ पे इसका अगर मैं नाम लिखता हूँ बाबर तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाबर के वो वाले इनपुट जिसका नाम बाबर है। अब चूंकि हमने इसमें नाम इंटर करवाना है, नेम इंटर करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका नेम जो है वो भी नेम दे रहा हूँ, नेम का नेम भी, यानी जो नेम एट्रीब्यूट है उसका नेम भी नेम रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका नेम लिखूँगा, उसका नेम हमारे पास क्या है, वो नेम ही है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब इसमें उसने उसको स्टोर करवा दिया, अगर उसकी वैल्यू क्या हो, खाली हो, मतलब उसकी वैल्यू में कुछ भी ना हो, तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाए। मैं अभी अलर्ट लगा के आपको सिर्फ टेस्ट करवा रहा हूँ, और सेव किया, अब इसको सबमिट करते हैं तो देखो अब इसमें ये खाली है, और इसको अब जब सबमिट करते हैं तो ये क्या है, एक एरर मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई चीज़ इंटर करके सबमिट करूँगा तब हमारे पास एरर मैसेज नहीं आएगा। तो अब इसके जो यानी इस कंडीशन है, इसके जो अब कोड है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट वेरिएबल जो हमने ऊपर डिफाइन की है उसका, उसे हम एक समय टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे कि टेक्स्ट, और बल्कि हम लिखेंगे नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, कि नेम वाले जो फील्ड है वो आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, और यहाँ पे या एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं।
सेव किया और फिर उसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब इसमें हम वो आईडी देंगे एरर वाली जो हमने पी को दी हुई है, ये वाली किधर गया पी, ये वाली आईडी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगाते हैं एरर डॉट इनर HTML टेक्स्ट। कि जब इसके ऊपर मैं करूँगा सबमिट, अगर इसकी वैल्यू होती है खाली, अगर इसकी वैल्यू होती है खाली तो क्या करे कि टेक्स्ट में ये एक मैसेज, हमने टेक्स्ट वेरिएबल में ये हमने मैसेज स्टोर करवा दिया, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस आईडी जो है इसके इनर HTML मतलब इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट डिफाइन कर दो। अब इस टेक्स्ट में ये वाला हमारे पास टेक्स्ट है, अगर इसको मैं करूँगा सबमिट, अब इसमें इसके अंदर ये देखें ये नीचे हमारे पास आ रहा है ये देखें। लेकिन अब इसको कंटेन किस तरह से करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मतलब अब हम सबमिट करते हैं ना तो एरर तो आ रहा है लेकिन उसके बाद गैप भी हो रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे इसको लगाऊंगा रिटर्न, बल्कि हम रिटर्न अगर लगाएंगे ना फॉल्स तब भी ये ठीक काम कर जाएगा, रिटर्न फॉल्स करेंगे तब हमारे पास मैसेज हो गया। लेकिन इसके ऊपर हमने क्या है एक और चीज़ लगा देनी है, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस। FOUS फोकस ठीक है, अभी हमारे पास सही काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके बरअक्स कोई काम होता है ना तो यहाँ पे मैं एक और मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे सेम ये वाली लाइन को करूँगा कॉपी और नीचे लगा दूँगा और बिल्कुल इसे नीचे लगा देते हैं और इसके अंदर HTML में क्या लिखता हूँ कम्प्लीटेड। मतलब अगर ये जो ऊपर वाली इफ एल्स कंडीशन अगर ये फॉल्स होती है तो हमारे पास ये मैसेज आ जाए इनर HTML में कंप्लीटेड और इसकी जो जो रिटर्न है वो भी लगा देंगे फॉल्स। जब रिटर्न फॉल्स करेंगे तो पेज जो दोबारा रीलोड नहीं होगा। अब इसमें अगर मैं F लिख के सबमिट करूँ तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा है, इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर मैसेज हमारे पास सेंटर में आ गया, ये हमारे पास सेंटर में आ गया। अब चूँकि अब हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना अब सबमिट करेंगे तो अब यहीं पे इसका एरर देख लेंगे, दोबारा से पेज को यह ना लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लगा दिया, टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाएगा। अब एक हमारे पास इफ़ जो है कंडीशन वैलिडेट होगी, अब एक ओके होगी, उसके बाद हमने लगाना ईमेल के लिए। ईमेल के लिए सिंपली इसको मैं करता हूँ कॉपी और नीचे लगा देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ नेम वहाँ पर कर दो ईमेल, वहाँ पर कर दो ईमेल ये वाला नाम। अब ईमेल वाला जो इनपुट है इसका नाम मैंने क्या दिया ईमेल, तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ईमेल। अब क्या करते हैं नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, यहाँ पे लिख देंगे ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल वाली जो इनपुट है वो खाली नहीं हो सकती, और यहाँ पे भी हम कर देंगे ईमेल, ईमेल कर दिया। और अब इसको हम अगर सबमिट करें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नाम एंटर करता हूँ डी और फिर सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, अगर ईमेल में कोई चीज़ एंटर करके सबमिट करता हूँ तो कम्प्लीटेड आ रहा है। लेकिन ईमेल जो है हमने सिर्फ उसमें टेक्स्ट ऐड नहीं करवाना, उसमें हमने एक ऐट द रेट और डॉट वाला ऑप्शन वो भी हमने ऐड करवाना। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे बल्कि यहाँ पे हम छोटा सा कमेंट कर देते हैं कि वैलिडेट ईमेल, और वैलिडेट ईमेल में सबसे पहले मैं वेरिएबल लगाऊंगा और उसमें लगाऊंगा ईमेल आईडी एक वेरिएबल और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। इस वेरिएबल में हमने जो ईमेल इनपुट है उसकी वैल्यू जो है इसमें हमने स्टोर करवा ली। यहाँ पे एक और मैं समय दूंगा वेरिएबल एटी मतलब एट और उसके बाद पी ओ एस एन एट पर्सन, मतलब ये कोई भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो ईमेल आईडी ये वाला ईमेल आईडी डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, मैं यहाँ पे ये लगा दिया कि जो ईमेल आईडी है इसमें जो इंडेक्स ऑफ क्या है यानी एट द रेट, यानी एट द रेट जो है उसको भी इंडेक्स करो, और इसके नीचे मैं लगाऊंगा डॉट पोस डॉट और डॉट पोजिशन लगा दो कि जो डॉट जो है एक तो एट द रेट की पोजिशन और उसके बाद डॉट की पोजिशन, तो अब उसमें लगाऊंगा ईमेल आईडी सेम और इसका जो इंडेक्स ऑफ होगा मतलब इंडेक्स ऑफ नीचे इंडेक्स ऑफ डॉट
अब इसमें हमने दो इंडेक्स दिए, एक हमने लिया एट द रेट और दूसरा हमने लिया डॉट। एक को हमने डॉट पोजीशन कर दिया और उसको फर्स्ट वन है उसको हमने कर दिया एट पोजीशन। मैं पूरा मैंने पोजीशन की स्पेलिंग नहीं लिखी, बस पी ओ एस एन कर दिया। आपने इसको गेट करना है कि ये पोजीशन है। और इसमें हम लिखता हूँ इफ इफ एट द रेट की जो पोजीशन है, एट द रेट पोजीशन इज लेस देन वन, मतलब अगर हम यहाँ पे इसका करते हैं ना, ये ईमेल आईडी है और इसमें अगर मैं एक करूँ, इसका अब इंडेक्स नंबर क्या है, ज़ीरो। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है, वो है ज़ीरो। तो जब इसमें मैं एक और ऐड करूँगा तो इसका मतलब है कि अब इसका इंडेक्स नंबर क्या हो गया, एक हो गया। तो अब इसमें मैं क्या करूँ, ऐट द रेट पोजिशन जो है अगर उसकी वैल्यू हो लेस देन एक, मतलब उससे पहले कोई जो है ना उसका इंडेक्स नंबर जो है वो अगर मतलब ज़ीरो होता है तब, एक से कम कौन सा है, ज़ीरो, अगर उसका नंबर कम होता है तब हमारे पास एरर आ जाए। और इसके साथ मैं एक और वैलिडेशन लगा दूंगा, इसके लिए मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूंगा और उसमें मैं लगाऊंगा अगर, और जो डॉट पोजीशन है, डॉट पोजीशन उसमें अगर माइनस किया जाए ऐड पोजीशन को, ऐड पोजीशन को, तो वो लेस देन अगर हो दो के। अभी मैं आपको सारा समझाता हूँ, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ मैं लगाता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ इंटर वैलिड वैलिड ईमेल और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एरर वाली जो आईडी है उसके इनर HTML में क्या करो, ये वेरिएबल जो है उसको शो करवा दो। और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ईमेल डॉट फोकस इतना, और उसके बाद इसका रिटर्न फॉल्स। अब आपको बताता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐट द रेट ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे ऐट द रेट कर देता हूँ, अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है, ज़ीरो। इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3 इस तरह, यानी 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से। अब इसका इंडेक्स नंबर कितना हो गया, ज़ीरो। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये वैलिडेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह मैं पहले ए लिखूँ और उसके बाद ए करूँ, अब ये हमारे पास ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ठीक है। और दूसरा हमने इसमें क्या लगाया, उस दूसरा हमने इसमें लगाया, अगर मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ कट। अब इतना मैंने कट कर दिया, अब इसको मैं करता हूँ यानी सबमिट। पहले नेम हम इंटर करते हैं, नेम मैंने इंटर किया, सबमिट और ईमेल मास्ट डी। तो इसमें अगर मैं करता हूँ डी, इसको करता हूँ सबमिट, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और वैलिड में अगर मैं ऐट द रेट लगाता हूँ अकेला तो सबमिट करता हूँ, उन्होंने कहा प्लीज़ वैलिड इंटर, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और वैलिड में अगर फिर पहले लगा देता हूँ ए, फिर सबमिट करता हूँ, तो इन्होंने क्या क्या कंप्लीटेड। क्योंकि अब इसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, ये एक से ज़्यादा हो, मतलब लेस देन एक नहीं, अब ये एक है या एक से ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका इंडेक्स नंबर अगर लेस देन हो थ्री के, मतलब इससे पहले अगर तीन वर्ड हो तब हमारे पास क्या कर देगा। तो यहाँ मैं नेम में वी सबमिट और यहाँ पे एस लगा के फिर सबमिट करता हूँ, अब क्या कह रहा है, प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब इससे पहले मैं एक और लगाऊंगा, अब भी कह रहा है कि प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, हमने क्या कहा लेस देन थ्री। अब यहाँ पर अगर मैं थ्री ऐड करूँगा फिर सबमिट करूँगा तो क्या कह रहा है कि ईमेल एड्रेस यानी अब क्या है कंप्लीटेड हो गया। तो ये इस चीज़ का यानी काम था, और इसको सेव किया। अब मैं बाकी कोड पेस्ट कर देता हूँ। सेम इस तरह जब एंड ऑपरेशन, उसके बाद डॉट पोजिशन, मतलब ये जो इसके बाद डॉट लगेगा ना, ऐट द रेट जो ऐट पोजिशन है लेस देन टू, मतलब मैं ये भी आपको समझाता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ये एक इंटर होना चाहिए, उसके बाद ऐट द रेट होना चाहिए। ऐट द रेट होने के बाद अगर डॉट लगाना है ना, डॉट लगाना है तो डॉट से पहले दो वर्ड हमारे पास होने चाहिए, या मतलब लेस देन टू, इसका मतलब दो वर्ड होने चाहिए, एफ जी डी एफ हम करते हैं, सबमिट करते हैं तो हमारे पास नेम के नाट बीच है, नेम हमने इस पर एफ एस करते हैं तो क्या कह रहा है कंप्लीटेड। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करता हूँ अकेला डी करता हूँ फिर सबमिट करता हूँ, बल्कि हमने इसको आई थिंक सेव नहीं किया, इसको हम करते हैं सेव और अब दोबारा चेक करते हैं इसे, नेम एम जी सबमिट
और जो ईमेल एड्रेस है इसमें ऐड करता हूँ a@ और g.। अब इसको सबमिट किया, अब हो रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ख़त्म, बिल्कुल ही सबमिट किया, आप कह रहे हैं प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे अगर मैं दो की जगह मैं कर देता हूँ 5, अब सबमिट करते हैं। मैं अभी आपको ये ना समझा रहा हूँ f, और इसमें मैं करता हूँ a@g.। अब इसको सबमिट करते हैं, तो उन्होंने कहा प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। क्यों? क्योंकि अब इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे यानी लेस देन 5 अगर होगा, लेस देन 5 एटलीस्ट जो है लेस, इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर कितना बन रहा है, ये 1 हो गया, ये एट द रेट ये 0, एट द रेट 1, और ये जो जी है ये मेरे पास हो गया 2, और यहाँ पे 3, 4, अब इसका बन रहा है 5। इसको अब सबमिट करूँगा तो अभी भी निकाल रहा। अगर फिर इसमें एक और ऐड करूँगा तो अब इसका जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 5 के इक्वल होगा या 5 से ऊपर होगा। अब इसको सबमिट किया तो ये कम्प्लीटेड आ गया। इससे पहले वाले जो जो कितने बनते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब 6 बने 6 बने तो अब इसका इंडेक्स नंबर कितना बनेगा, 5, क्योंकि इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से। आई होप दोस्तों आप किस वो इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं इसमें करता हूँ दो वर्ड ऐड करता हूँ कि एक हमारे पास सबसे पहले एक वर्ड लाजमी ऐड हो, उसके बाद ऐट द रेट हो, और उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड ऐट हो, एक और वर्ड ऐड हो, उसके बाद अगर डॉट लगा हो तब इसको सबमिट करें। अच्छा नेम के अंदर, अच्छा नेम इसमें ऐड करते हैं और सबमिट, तब ये कम्प्लीटेड हो। अगर इसके अलावा कोई चीज़ होगी, मतलब एक वर्ड पहले होना चाहिए, उसके बाद ऐट द रेट होना चाहिए, ऐट द रेट के बाद एक फिर वर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद डॉट लगाओ, तो तब तो ये हमारे पास सबमिट कर दे। अगर ऐसा ना हो तो तब ये फॉर्म हमारे पास सबमिट ना हो, जो कि एक ईमेल एड्रेस में लाजमी होता है। सबसे पहले उसका नाम होता है, मिसाल के तौर मैं करता हूँ बाबर, यानी भी ये कर देते हैं @gmail.com। इसको अब सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीटेड आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डॉट ख़त्म करता हूँ, सबमिट करता हूँ प्लीज़ इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, डॉट भी लाजमी होना चाहिए, डॉट से पहले कुछ वर्ड्स भी होने चाहिए। आई होप दोस्तों आपको इस कोड की समझ आ गई होगी। मैंने इसके कंप्लीट ना एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको यानी इसकी सही से समझ आ जाए। अब उसके बाद हमने करना है फ़ोन को वैलिडेट, ये फ़ोन नंबर है ना, इसको हम वैलिडेट करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कमेंट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन नंबर वैलिडेट, और इसमें क्या करूँगा कि मैं इफ़ मैं डॉक्यूमेंट माई फॉर्म वाला माई फॉर्म डॉट फोन डॉट वैल्यू, अगर उसकी जो वैल्यू क्या हो खाली हो, तब मैं अभी इसका ये देखिए इसका फ़ोन ये वाला इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगाते हैं। ये इसका नेम बिल्कुल हमने सही किया, अगर इसकी जो वैल्यू वो क्या हो खाली हो तो हमारे पास नीचे एक एरर मैसेज शो कर दे। तो उसका एरर मैसेज मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट वाले करते हैं टेक्स्ट वेरिएबल, और टेक्स्ट वेरिएबल में फ़ोन नंबर मस्ट बी 11 और 12 डिजिट्स, क्योंकि पाकिस्तानी एक नंबर के होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कौन सी एरर वाली आईडी, उसके इनर एचटीएमएल में क्या करो ये ऊपर वाली वेरिएबल प्रिंट करवा दो टेक्स्ट वाली, और इसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फोन डॉट फोकस, और इसमें नीचे रिटर्न फॉल्स। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या वैलिडेशन लिखा, इसमें थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। क्या सबसे पहले इसमें वैलिडेशन ये कि अगर इसका फ़ोन नंबर जो है वो खाली हो, अब मैं पहले सारा कुछ ऐड करता हूँ आपको बताता हूँ b@gmail.com। अच्छा अब इसमें अगर फ़ोन नंबर खाली सबमिट करता हूँ तो उसमें क्या फ़ोन नंबर मस्ट भी 11 और 12, अगर इसमें अब एक ऐड करता हूँ फिर सबमिट करता हूँ तो क्या कह रहा है कम्प्लीटेड हो गया। लेकिन अब इसमें मैं एक और वैलिडेशन ये लगाऊंगा कि एंड ये होते हैं एंड ऑपरेटर, ये होते हैं एंड ऑपरेशन के लिए, कि इसके अलावा एक और हमने कंडीशन लगानी इज़ n a n इज़ नॉट अ नंबर, कौन सा
यही वाला डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फोन और डॉट वैल्यू, कि इसकी अगर जो जो फॉर्म है अगर इसकी वैल्यू जो है वो एक नंबर नहीं होती, नंबर के अलावा होता है, मतलब ए बी सी हम लिखते हैं तो तब भी ये हमारे पास मैसेज एरर मैसेज शो हो, तो उसके लिए मैं यहाँ बस बी और जी एट द रेट जी मेल जी और फिर डॉट लगा देते हैं। फ़ोन नंबर अगर इसमें मैं करता हूँ ए है, अगर मैं करता हूँ वैसे खाली सबमिट तब भी हमारे पास फ़ोन मस्ट भी 11 और 12, और अगर उसके बाद मैं करता हूँ एक फिर सबमिट तो ये कर रहा है कंप्लीटेड। लेकिन जैसे इसमें करूँगा ए, तो ए जो एक नंबर तो नहीं ना, वो तो एक डिजिट है, तो इसको सॉरी एक वो एक वर्ड है, और इसको आप सबमिट करते हैं तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं टू लगाऊंगा तो टू एक नंबर है एक डिजिट है, इसको सबमिट करूंगा तो कंप्लीटेड आ गया। अब ये हो गया। अब इसमें हमने एक और समझ वेरिएशन लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक करता हूँ नीचे और यहाँ पर लगाता हूँ। इसमें एक और एंड ऑपरेटर लगाएंगे, उसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फोन नंबर फोन डॉट वैल्यू, और इसकी जो फ़ोन की वैल्यू है उसकी अगर लेंथ जो है लेंथ एल ई एन जी एच जी एच टी एच लेंथ एल ई एन जी एच टी लेंथ, स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बड़ी होती है यार, और उसके वो अगर इज़ नॉट इक्वल टू 11। अब इसमें हमने एक और वेरिएशन लगा दी कि डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म उसका अगर फ़ोन ये जो है उसकी वैल्यू और उसकी जो लेंथ मतलब उसकी लेंथ जो अगर उसमें जितने डिजिट्स ऐड करेंगे अगर वो नॉट इक्वल टू होते हैं, ये होता है नॉट, ये हमने लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कोडिंग में इसे कहते हैं नॉट, और इसे ये कहते हैं इक्वल, अगर नॉट इक्वल टू 11 हो कि उसके जो डिजिट्स हैं वो 11 नहीं होते तब भी ये हमारे पास मैसेज शो हो। इसको हम किस तरह से टेस्ट करेंगे, इसमें हम करेंगे बी और बी एट द रेट जी डॉट ये हमने ऐड किया, और उसके बाद फ़ोन नंबर में अगर मैं करता हूँ खाली सबमिट, उन्होंने कहा फ़ोन नंबर मस्ट बी, और अगर मैं इसे करता हूँ ए फिर सबमिट किया फिर भी नहीं करेगा, अगर मैं ए करूँगा अब ए को भी नहीं करेगा जब तक इसमें हम 11 डिजिट्स नहीं पुट करेंगे। अब मैं इसे करता हूँ 03471254 और 789, ठीक है अब इसके 11 हो गए डिजिट्स। अब इसको करता हूँ सबमिट तो ये कह रहा है कंप्लीटेड, अगर इसमें कोई भी एक भी काम करूँगा 10 करूँगा तो फ़ोन नंबर मस्ट बी 11 और 12, और जो वर्ड हैं दूसरे उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रही है इस बात की, अगर मैं इसको करूँगा 12 तो तब ही इसको एक मिनट मैं इसको पूरे पे करता हूँ 03472 5, अब इसको करता हूँ सबमिट, इसमें आई थिंक कोई नंबर कम है, एक और ऐड करते हैं, ये अब कंप्लीटेड हो गया। अब इसमें हमने देख लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये 11 नंबर पूरे कर रहा है। अब 11 से अगर ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 12 भी होते हैं, तो ये क्या कह रहा है फ़ोन नंबर मस्ट भी 11 और 12, अच्छा अब 12 को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए अगर यानी नंबर जो है वो 11 या 12 हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क ख़त्म करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा लेस देन, कि अगर जो नंबर है लेस देन आर इक्वल टू होता है 10 के, अगर 10 से ऊपर होगा यानी 11 जो 12 होगा तो तब ये हमारे पास एरर मैसेज शो नहीं होगा, लेकिन अगर वो करेगा लेस देन आर इक्वल टू होगा 10 के तब हमारे पास ये जो मैसेज है वो शो होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक नाम इंटर करता हूँ, मैं कोई भी इंटर कर देता हूँ यहाँ पर वी ईमेल में वी डॉट वी एट द रेट जी डॉट सी डाल देते हैं। अब फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर अगर सबमिट करते हैं तो फ़ोन नंबर मस्ट भी 11 और 12, अच्छा इसमें अब अगर मैं ऐड करता हूँ 03 4 और ये कितने और फिर ऐड करते हैं और ये हमारे पास कितने हो गए 11 पूरे हो गए, सबमिट किया अब ये कंप्लीटेड आ रहा है, लेकिन 11 से जैसे काम आऊँगा ये 10 हुए तो फ़ोन नंबर मस्ट भी 11 और 12, तो अब सबमिट करते हैं अब ये 12 किए तो इसको कंप्लीट कर रहा है। अच्छा अब 11 और 12 मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ मिसाल तौर पर मेरा नंबर है, ये एक्चुअल मेरा नंबर नहीं, मैं नंबर इसमें चेंज कर लूँगा 03471254
3, 1, 2, 5, 4। अब ये हमारे पास कितने हो गए, 11 हो गए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये ज़ीरो नहीं लिखते, इसकी जगह हम लिख देते हैं 9-2। अब 9-2 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री कोड है, पाकिस्तान का कंट्री कोड जो है 9-2 है, तो हम समटाइम्स ये लिख देते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो हमारे पास डिजिट कितने बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे, एक इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर इस तरह से ऐड करेंगे तो हमारे कितने बनेंगे, 12 डिजिट्स। और अगर हम जो ज़ीरो यहाँ पे लगाएंगे तब हमारे पास कितने बनेंगे, 11। लेकिन हकीकत में पता क्या होता है, हकीकत में इस तरह से होता है कि जिससे मैं आपने पहले लगा के दिखाया था कि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 10 इतना होता है। वो इसलिए क्योंकि जो कंट्री कोड होता है, जब हम इस यहाँ पर हम ना एडवांस फॉर्म बनाएंगे उसमें आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे कंट्री कोड ऑलरेडी लगा होता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे तो पाकिस्तान का कंट्री कोड कितना है, 9-2। तो उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट बॉक्स की मदद से, ऐसे पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, उसका 9-2 ऐड हो गया। अब 9-2 के बाद हमने 10 डिजिट्स ऐड करने हैं, ज़ीरो भी ऐड नहीं करना, डायरेक्ट हमने 3 से स्टार्ट कर देना। 9-2 ऑलरेडी ऐड हो गए, या हमने 0 ऐड करना होता है या 9-2 ऐड करना होता है। 9-2 अगर ऑलरेडी ऐड करवा देंगे सिलेक्ट बॉक्स से, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 लिखेंगे। तो इस तब हमारे पास ये वैलिडेशन लगाएंगे हम। और अमूमन ऑलमोस्ट यही यूज़ होती है, हर फॉर्म में आपको यही मिलेगी। कुछ फॉर्म्स होंगे, कोई नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट वगैरह जो होंगी ना, उनमें आपको इस तरह के मिल जाएंगे, लेस देन चार इस तरह से आपको मिलेंगे। नहीं तो जो प्रोफेशनल होगा वो इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से आपको ये फॉर्म मिलेगा। तो अभी मैं ये क्या करता हूँ, अभी मैं ऐसे करता हूँ कि इसे लेस देन कर देते हैं। अब आपको पता चल गया कि किस तरह, अब हमारे पास एरर ना आए बस इसलिए, क्योंकि उसके बाद हमने सेलेक्ट बॉक्स को वैलिडेट करवाना। अभी हमारे पास हो गया, अब उसके बाद हमने सेलेक्ट बॉक्स को वैलिडेट करवाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, कमेंट करते हैं कि स्केल वैलिडेट कमेंट, आप कोई भी किसी किस्म का कमेंट दे सकते हो। अब उसमें मैं क्या है कि जो उसके वेरिएबल है हमारे पास सब्जेक्ट की, उसका नाम हमारे पास क्या है कि ये नेम है, तो यहाँ मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सब्जेक्ट डॉट वैल्यू, अगर वो इक्वल होती है ज़ीरो के, इसमें हमने यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, इफ़ तब। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू ज़ीरो होगी, अब ज़ीरो इसकी कौन सी, सिलेक्ट वाले की, इसके अलावा 1, 2, 3 कोई भी सिलेक्ट करेगा तो ये एरर नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, एरर दे जाए, एरर कौन सा, सेम टेक्स्ट वेरिएबल हम लेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि सिलेक्ट योर स्किल प्लीज़, और नीचे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी कौन सी, एरर वाली आईडी, और उसमें कर दो इस टेक्स्ट को प्रिंट, साथ में डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सब्जेक्ट, और इसका जो फोकस है, उसके बाद ये फोकस हमने लगा दिया, और रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब इसको हम करेंगे सबमिट, तो अब हम इस सारे को वैलिडेट करवाएंगे। इसमें हम करते हैं वी ऐड किया, सबमिट किया, अब ईमेल का ऐड भी, ईमेल में हमने एक्चुअल ईमेल ऐड की, मैं करता हूँ babar@gmail.com, और फ़ोन नंबर में एक्चुअल नंबर ऐड कर देता हूँ 0347, ये मेरा एक्चुअल नहीं है वैसे, मतलब पूरे, और इसको आप सबमिट करेंगे तो ये ऐसे सबमिट हो गया। अब इसमें कोई ना कोई एरर होगा, क्योंकि इसको ये एरर नहीं करना चाहिए था ऐसे अब इसमें इफ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सब्जेक्ट, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती है, देन टेक्स्ट गेट एलिमेंट बाई आईडी एरर, और उसमें ये प्रिंट करवा दो डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म
डॉट्स रिएक्ट इस लाइन को हम ख़त्म कर देते हैं, एक दफ़ा लिख दे रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं, और रिटर्न इसका फॉल्स। अब इसको हम चेक करते हैं, नेम इसमें वी डी एट द रेट जी डॉट सी, और इसमें हम नंबर ऐड करते हैं 3 4 7 कोई भी ऐड किया, और अब इसको सबमिट करते हैं। अच्छा अब भी ये सबमिट हो रहा है। इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सब्जेक्ट, नाम इसका सेव है कि नहीं, नाम भी ठीक है सब्जेक्ट, और ऊपर हमने यहाँ पे कोई एरर कर दिया हो, लेस दैन इक्वल टू, ये भी हमारे पास ठीक है। एरर वाली आई टी भी ठीक। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे इनर एच टी एम एल लगाया ही नहीं, इनर एच टी एम एल। अब इसको हम करते हैं, अब हम चेक करते हैं, अब वी और एक्स जल्दी जल्दी में ना वो भी हम लगाना भूल गए, जी डॉट सी, फ़ोन नंबर में कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं, 10 सवा भी जाना है बस, और अब सबमिट पे क्लिक, अब सिलेक्ट योर स्किल प्लीज़। अब हमने सिलेक्ट स्किल सेलेक्ट की, अब सबमिट पे क्लिक किया तो कंप्लीटेड आ गया। अब एरर हमारा क्या था, इनर एच टी एम एल हमने नहीं लगाया था, तो अगर इनर एच टी एम एल लगाते तब हमारे पास एरर ये नहीं आता। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैंने फुल गर्मी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, एक लाइक तो बनता है। अगर अब इसमें आप देखो, मैंने समझ फॉर्म आपके सामने वैलिडेट करवाया, तो इसमें काफ़ी एरर्स आए, इससे ज़्यादा एरर्स आए थे जब मैंने इसको पहले बनाया था, तो इसलिए कोडिंग में एरर आम सी बात है, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, जितने एरर्स आते हैं आने दो, कोई मसला नहीं, उसको रिजॉल्व करो और अपनी कोडिंग स्किल को मज़ीद बेहतर करो। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।